नमस्कार, स्वागत है आप सबका। यह है बीबीसी दुनिया, मैं हूं समरा फातिमा। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यों में हिलरी और ट्रंप में कांटे की टक्कर। आज की विशेष रिपोर्ट में लेखकों और कवियों को पनाह देने वाली एक संस्था की कहानी। कैरिबियाई इलाकों में भारी तबाही मचाने के बाद अमरीका के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है हरिकेन मैथ्यू। फ्लोरिडा में लाखों लोग घरों से भागे। अलेप्पो में एक हफ्ते के भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। संयुक्त राष्ट्र की सीरिया और रूस से हमले तत्काल रोकने की अपील। कोलंबिया में फार्क विद्रोहियों के साथ शांति समझौते को नामंजूर किए जाने के फैसले के बाद देश भर में शांति समझौते के पक्ष में रैलियां। और प्लेबॉय पत्रिका के पन्नों पर पहली दफा नजर आएगी हिजाब में एक मुस्लिम महिला। लीबियाई अमरीकी पत्रकार के कदम पर छिड़ी बहस। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। दुनिया भर में बोलने की आज़ादी पर हमले के शिकार लोग अमेरिका को आस भरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान रिफ्यूजियों के बारे में जो बयानबाजी की उसके बाद स्थिति बदल रही है। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में सिटी ऑफ असाइलम नाम का समूह दुनिया भर में प्रताड़ित लोगों को पनाह देता है। इसमें लेखक, कवि और ब्लॉगर शामिल हैं। बांग्लादेश से जान बचाकर भागे तुहीन दास ऐसे ही एक ब्लॉगर हैं। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की खास रिपोर्ट। पिट्सबर्ग की इस गली ने ऐसे कई लेखकों को पनाह दी है जिन्हें उनके अपने देश में उनकी कलम की वजह से निशाना बनाया गया। आज ये गली बांग्लादेशी ब्लॉगर तुहीन दास का भी घर है। उनके ब्लॉग्स की वजह से जब अलकायदा के हिट लिस्ट पर उनका नाम छपा और पुलिस से भी मदद नहीं मिली तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई, पर हमारे ब्लॉग्स के प्रिंट लिए और कुछ वाक्यों को अंडरलाइन किया, फिर कहा कि हम इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं। सिटी ऑफ असाइलम कहलाने वाले इस इलाके में कई देशों के लेखकों को पनाह मिली है और उनमें से कुछ ने अपनी सोच को इन दीवारों पर जाहिर किया है। इसे चलाने वाले हेनरी रीस कहते हैं कि 2 साल तक इन लेखकों को मुफ्त घर और रहने का खर्चा दिया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे यहाँ अपने पांव पर खड़े हो सकें। हम यहाँ ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं जो किसी मकसद के लिए साहित्य लिखते हैं, वो मकसद जिसकी वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये सबसे कम सुरक्षित समूह होता है क्योंकि कवियों और उपन्यासकारों की हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं आता। तुहीन दास को यहाँ आए मुश्किल से 6 महीने हुए हैं। घर की याद आती है लेकिन ये आज़ादी उन्हें रास आ रही है। मैं यहाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए आया हूँ। अगर मैं यहाँ इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ लिखता भी हूँ तो मुझे यहाँ कोई नहीं मारेगा। लेकिन वो ऐसे वक्त पर यहाँ आए हैं जब अमेरिका में विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। सियासी रैलियों में डोनाल्ड ट्रंप उन पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कर रहे हैं और ये बयान तुहीन दास जैसे लोगों के लिए घबराहट पैदा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य कैसा होगा। कभी कभी आप इन बातों से परेशान हो जाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोलने और लिखने की आज़ादी की क्या कीमत हो सकती है, ये सुनने अक्सर इस गली में लोग आते रहते हैं। लेकिन एक तरफ ये कहानियाँ और दूसरी तरफ नफरत भरे सियासी बयान, क्या राय होती है उनकी? इस चुनाव में जो लफाजी चल रही है ट्रंप की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, उसे आसानी से खुलेआम नस्लवाद कहा जा सकता है। मानव जाति सब एक है। लोगों को उनकी पहचान के कारण कबूल नहीं करना इंसानियत के खिलाफ है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो हिलरी और ट्रंप के बीच अभी भी फैसला नहीं कर पाए हैं। यहाँ की कहानियाँ और तस्वीरें उनके फैसले पर क्या असर करेंगी, फिलहाल उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। और अब आइए नजर डालते हैं डिजिटल दुनिया की हलचल पर। पोलैंड की संसद के निचले सदन ने अबॉर्शन पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध के कानूनी मसौदे के खिलाफ वोट दिया है। इसमें अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं को सजा दिए जाने का प्रस्ताव था। बिल को कैथोलिक चर्च का समर्थन हासिल था, लेकिन करीब 1 लाख लोगों ने इस हफ्ते कई शहरों में प्रदर्शन कर इसका विरोध किया था। सीरिया के तुर्की के साथ बॉर्डर पर हुए धमाके में कम से कम 29 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर विद्रोही बताए जा रहे हैं। इदलिब प्रांत के इलाके में विद्रोहियों का कब्जा है। साफ नहीं है कि यह आत्मघाती हमला था या रिमोट कंट्रोल से अंजाम दिया गया था। कोलंबिया में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार और फार्क विद्रोही गुट से मांग की है कि वो वापस हिंसा की तरफ ना जाएं। इस हफ्ते कोलंबिया में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने सरकार और फार्क के बीच हुए शांति समझौते के खिलाफ बहुमत से वोट दिया था।
कैरिबियाई देश हेती में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मैथ्यू अब अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी मौसम विभाग ने कहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। फ्लोरिडा प्रशासन ने लोगों से बिना समय गंवाए सुरक्षित जगहों पर चले जाने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद लाखों लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। If you're watching in your evacuation area, get out. अगर आप ये देख रहे हैं और उस इलाके में हैं तो सीधे भागें। वक्त बहुत कम है, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको भागना ही पड़ेगा। क्या आप अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलना चाहेंगे? अगर आप निकलने से हिचकिचा रहे हैं तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये तूफान पहले ही मार चुका है। अगर आप गंभीर नहीं हैं तो आप और आपके परिवार की भी गिनती इन्हीं लोगों में हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अलेप्पो में बमबारी को फौरन बंद किए जाने की मांग की है। वहां विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में एक हफ्ते के भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की जानें चली गई हैं। सीरिया और रूस की सेनाएं पूर्वी अलेप्पो में पिछले कुछ वक्त से लगातार हवाई हमले और बमबारी कर रही हैं। अलेप्पो में फंसे बच्चों पर बीबीसी की खास रिपोर्ट में कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अपने बेटे के सर पर हाथ फेरता एक पिता, यहया इस्कीफ, एक हवाई हमले में जख्मी हो गया था। वो बताता है उसे न रॉकेट की आवाज सुनाई दी न लड़ाकू विमान की, उसे बस लगा कि किसी ने उसे उठाकर पटक दिया है। अहमद फहान और उसके दोस्त खतरा उठाकर स्कूल जा रहे हैं। उन्हें एक बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा है ये सोचकर कि शायद वहाँ खतरा कम हो, पर अहमद को पता है अलेप्पो में कोई जगह सुरक्षित नहीं। वो एक दोस्त को खो चुका है। वो कहता है हम साथ स्कूल जाते थे, मैं उसे पेंसिल देता था, वो मुझे नोटबुक, वो बहुत अच्छे दिन थे। इस जगह सीरियाई वायुसेना और उनके रूसी सहयोगी लगातार बम बरसा रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर यहाँ 106 बच्चों की जान गई, पर रूस कहता है विद्रोही जानबूझकर आबादी वाले इलाकों में जा रहे हैं। इन बच्चों की सुरक्षा के लिए संधियां बनी हैं, कानून हैं, वादे किए गए हैं। मुश्किल ये है कि जिनके हाथ में ताकत है उन्हें इनके पालन की कोई परवाह नहीं। और अब आगे बढ़ते हैं बीबीसी शॉर्ट्स की तरफ। थेम्स नदी के ऊपर एक उड़ान, काइली मिनोग का शादी से इनकार और बकरी के साथ योगा। सिंगर काइली मिनोग के ब्रिटिश मंगेतर जोशुआ सेस ने कहा है कि वे दोनों तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। दोनों की इस साल की शुरुआत में ही सगाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2017 में समलैंगिक विवाह पर सार्वजनिक वोटिंग होने वाली है। डेविड मेमन ने थेम्स नदी के ऊपर एक जेटपैक की मदद से 30 मीटर की ऊंचाई पर पूरे 4 मिनट के लिए उड़ान भरी। डेविड कमर्शियल पायलट हैं और अब बिजली की बैटरी पर चलने वाला एक उड़न यंत्र बनाना चाहते हैं। अब एक खास किस्म का योग, जी हाँ, बकरियों के साथ। ओरेगन निवासी लेनी मोर्स का मानना है कि इन जानवरों के साथ योग करने से रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों से छुटकारा मिलता है। प्लेबॉय एक जानी मानी पत्रिका है जिसमें एक समय निर्वस्त्र महिलाओं की तस्वीरें छपा करती थी। अब पहली बार इस पत्रिका में एक मुस्लिम महिला की तस्वीर छपेगी जिसमें वो हिजाब पहने होगी। पत्रिका ने अब नग्न तस्वीरें छापना तो बंद कर दिया है, मगर इसके बावजूद लीबियाई अमरीकी पत्रकार नूर तगूरी के इस फैसले को लेकर खासी बहस छिड़ गई है। मेरा नाम नूर तगूरी है, मैं लीबियाई मूल की अमरीकी पत्रकार हूँ, मैं वॉशिंगटन डीसी में रहती हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा प्लेबॉय को क्यों चुना, तो मैंने कहा क्यों नहीं। खाड़ी के देशों में इस तस्वीर पर काफी नेगेटिव प्रतिक्रिया आई है क्योंकि प्लेबॉय की वेबसाइट पर वहां प्रतिबंध है, तो लोगों को मेरा इंटरव्यू पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं स्कूल में अपनी पहचान को लेकर काफी परेशान रहती थी। मैं अपनी मुसलमान और अमरीकी पहचान से जूझ रही थी और दोनों संस्कृतियों का एक दूसरे से तालमेल बैठाना चाहती थी। शायद इसी वजह से मैंने हिजाब पहन लिया। मेरे लिए ये अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था। मुझे पहली नौकरी एक अखबार में मिली। मुसलमान औरतों के मसलों को समझकर उनकी कहानी सुनाने से मुझे सुकून मिलता है। इस वक्त मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो कहानियाँ जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं, जिन मुद्दों के बारे में मैं खुद सोचती हूँ। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल इसी वक्त फिर हाजिर होंगे, यानी कि 9:20 पर। तब तक के लिए बीबीसी दुनिया की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।